क्या नाम है आपका? तिरुपति। कहाँ से आई हो? कहाँ आई हो? यहाँ कचहरी। किसके यहाँ? क्या करने? हमारे घर गिरा हुआ थी हेम सिंह। कौन गिरा रहा? हेम सिंह। कौन है ये? ठाकुर। हमारे घर गिरा हुआ थी। ये आप क्या, आपके हाथ में कागज कैसा है? ये घर गिराने के नोटिस। कितने लोगों के पास ये नोटिस आई है? छह जने की आई है और आने वाली। तो क्या जमीन वो आपकी नहीं है? नहीं, जमीन आपकी नहीं है वो? किसकी जमीन है? वो सरकारी जमीन है। उसमें खंभा लगा है, खड़ंजा लगा है। हम आज से नहीं रह रहे हैं। तो सरकार, साल से रह रहे तो सरकार की जमीन है। सरकार अपनी जमीन को कब्जियाए ले रही है। तो फिर मार डाल रहे हैं और कहा बता। नहीं तो जमीन वो आप उस पे किस तरह रह रही है? 70-80 साल से रह रहे हैं। हमें गिरावा लगा है। नहीं, पट्टा है आपके नाम का? पट्टा नहीं, पट्टा रहा है तो उसका खारिज करवा देने हैं। पट्टा रहा है। क्या नाम है आपका? बंसराज जी। इस समय कहाँ मौजूद हैं? हम यहाँ कचहरी डैम साहब यहाँ मौजूद हैं सर। क्या करने आए हैं यहाँ पर? यहाँ हम दरखास्त अपनी खबर सुनाने आए हैं कि हमारा घर मकान गिरने वाला है। कहाँ पर? हमारा बेदौरा टेपरा। कौन सा थाना? पखरपुर। पूरी बात बताइए। हाँ, थाना पखरपुर। कौन गिरा रहा है घर? हम हरजन है महावत। कौन गिरा रहा है घर आपका? अब घर हेम सिंह विवाद कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। अब गिराने वाले को हम नहीं जानते सर, हम लिखे पढ़े नहीं। ये हाथ में कागज आपके कैसा है? ये वही नोटिस है। 6 नोटिस आई थी और ये इसमें डेट है 15 दिन का, लेकिन हमको कल परसों मिली है, शनिवार को मिली है। अभी ये बीच में कल हमारा घर गिराने वाला, घर गिराने का संभावना है। और हम बाबूजी इतने टाइम अब कल इतवार पर गया था, शनिवार को हमको ये नोटिस मिली है। घर पक्का बना है? कच्चा? हाँ, घर आवास मिली है, कॉलोनी मिली है हमको सरकार ने, और सरकारी खंभा, बिजली बत्ती है, सरकारी खड़ंजा लगा है। और सर अभी हमारा हमारी दूसरी भूम नहीं है जो वहाँ जा करके अपना हम घर मकान बनवा लें। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? 70 साल से रह रहे हैं। 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। पेड़ पौधे भी लगे हैं, सरकारी खंभा भी लगा, जल निगम नल भी लगा, सरकारी नल। आप जैसे कितने लोग होंगे? अब वहाँ लमसम में 25 आदमी है। 25 आदमी का घर मकान सब बना हुआ है। सारा गिराया जाएगा? हाँ, वो आधा गिराने का संभावना। यहाँ डीएम साहब से मिले? अभी तक तो नहीं मिले, हम नोटिस लेके आए हैं और डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। क्या कहेंगे मिलकर? अब कहेंगे कि बाबूजी मेरा घर गिरने वाला है, इसका कोई सहयोग करिए। हमारे भूमिहीन आदमी हम कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे।